नमस्ते, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बाय और होल्ड, जहां हम आपको बताते हैं एक अपकमिंग कार के लिए वेट करना चाहिए भी या नहीं। इस वीडियो का फोकस होगा दो SUVs पर, टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर और सुजुकी की ग्रैंड विटारा। अब ये दोनों SUVs ऐसे सेगमेंट में एंटर कर रही है जहां पर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बट बिफोर वी कैरी ऑन, इन दोनों SUVs को अच्छे से समझ लेते हैं, इनके बेसिक्स को जान लेते हैं, ड्राइव ट्रेन ऑप्शन समझ लेते हैं। टोयोटा और सुजुकी ने इन दोनों SUVs को जॉइंटली डेवलप किया है, तो इन दोनों SUVs के बेसिक्स को पहले समझ लेते हैं। माई नेम अरुण, यू आर वॉचिंग कार देखो, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई राइडर और ग्रैंड विटारा सुजुकी के ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। इंजन ऑप्शंस में जॉइंट एफर्ट क्लियरली दिखाई देता है। दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो मैंने और आपने अर्टिगा XL6 और हाल ही में ब्रेजा में भी देखा है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन है। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहाँ ये है कि मैनुअल के साथ ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आपको ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाई राइडर में मिल जाएगा। जो दूसरा इंजन ऑप्शन है वो है एक 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो टोयोटा का है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये ड्राइव ट्रेन अवेलेबल है। अब तक मारुति सुजुकी ग्लांजा, अर्बन क्रूजर जैसे टोयोटा ब्रांडेड कार्स अपने फैक्ट्री में प्रोड्यूस करती थी। हाई राइडर और ग्रैंड विटारा दोनों ही SUVs टोयोटा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोड्यूस करेगी। चलिए, अब इन दोनों SUVs के बेसिक्स को हमने समझ लिया है, अब ये देखते हैं कि इनके लिए वेट करने के मेन रीजंस क्या है। रेनो डस्टर के बाद फाइनली इस सेगमेंट में आपके पास ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन है। हाँ, इन दोनों SUVs से आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग की उम्मीद मत रखिए, लेकिन अगर आपकी यूजेज ऐसी जगहों पर है जहां पर रोड कंडीशन स्लिपरी है, बेहतर ग्रिप, बेहतर ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, स्नो, मड या स्लश का सामना आप ऑन अ डेली बेसिस करते हैं, तब फाइनली आपके पास इस रेंज में ऑप्शंस है। सो यू कैन कंसिडर वेटिंग फॉर द हाई राइडर और द ग्रैंड विटारा। देखिए, कॉम्पिटिशन कम माल की चीज है। टोयोटा और सुजुकी भी फीचर्स के रेस में उतर गई है। पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, हेड्सअप डिस्प्ले, 9 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, एम्बियंट लाइटिंग, ये सभी फीचर्स इन दोनों SUVs में अवेलेबल होंगे। तो फाइनली आपको जापानीज डिपेंडेबिलिटी और फीचर्स के बीच में चूज नहीं करना पड़ेगा, दोनों ही ऑप्शन आपको एक पैकेज में मिल जाएगा। इफ दिस इज समथिंग यू वॉन्ट, कंसिडर वेटिंग फॉर द हाई राइडर और द ग्रैंड विटारा। अब जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन है उससे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है। हाल ही में हमने होंडा सिटी EHEV के साथ देखा है, रियल वर्ल्ड कंडीशन में 19 से 20 का माइलेज एक्सपेक्ट करना एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ऐसे में पेट्रोल के रिफाइनमेंट के साथ डीजल जैसी फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो अगर आप EV पर स्विच करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कंसिडर वेटिंग फॉर दीज टू SUVs। चलिए, अब देखते हैं कि आपके अल्टरनेटिव्स क्या हैं और उन्हें कंसिडर करने के मेन रीजंस क्या हैं। अब ये साउथ कोरियन जोड़ी अपने फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। इंटीरियर क्वालिटी के मामले में भी ये इस सेगमेंट में बेहतर है कंपेयर टू टोयोटा एंड सुजुकी। किया और ह्युंडई आपको डीजल इंजन का ऑप्शन देते हैं विथ बोथ अ मैनुअल एंड एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। हाँ, दोनों ही SUVs की सेफ्टी रेटिंग कुछ खास नहीं है, सो कंसिडर दैट बिफोर यू मेक अ फाइनल डिसीजन। अगर आप अपनी अगली SUV से एक एंगेजिंग या फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस चाहते हैं, तब आप Volkswagen Tiguan या Skoda Kushaq को कंसिडर कर सकते हैं। दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1 लीटर TSI, 1.5 लीटर TSI, दोनों ही अपने आप में काफी एक्साइटिंग है। फीचर्स के मामले में भी यहां पर कोई खास मिसेज नहीं है। हाँ, विजुअली ये दोनों SUVs उतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन स्टाइलिंग काफ़ी एलिगेंट और क्लासी ज़रूर है। MG की एस्टर उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो इंटीरियर एक्सपीरियंस को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पर जो इंटीरियर क्वालिटी है वो इजीली सेगमेंट बेस्ट है। इसके अलावा MG एस्टर में ADAS जैसा एडवांस सेफ्टी फीचर भी दिया गया है, जो फिलहाल इस सेगमेंट में कोई और SUV ऑफर नहीं करती। इसी प्राइस रेंज में आप चाहें तो फीचर्स पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके एक सेगमेंट ऊपर जा सकते हैं।
टाटा हैरियर और एमजी हेक्टर जैसे एसयूवीज के मिड मॉडल्स को कंसिडर कर सकते हैं। एडवांटेज, बेहतर साइज, बेहतर रोड प्रेजेंस और बेहतर इन कैबिन स्पेस का। इन दोनों एसयूवीज में आपको 2 लीटर डीजल इंजन मिल जाता है जो लंबे रोड ट्रिप्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। हाँ, डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको सिर्फ हैरियर में मिलेगा और पेट्रोल का ऑप्शन सिर्फ हेक्टर में। अगर आपको हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग नहीं, प्रॉपरली मिट्टी में मस्ती करनी है, तब ऑल व्हील ड्राइव नहीं, प्रॉपर 4x4 कंसिडर कीजिए। यह ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो N में मिलेगा। ये SUV कंपेयर्ड टू द हाई राइडर एंड द ग्रैंड विटारा थोड़ी और साइज में बड़ी है। 7-सीटर का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलने वाला है। बस इसके बड़े इंजन से टोयोटा और सुजुकी जितनी माइलेज की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये तो हो गई ऑल्टरनेटिव्स की बात, चलिए अब देखते हैं ऐसे कौन से रीजंस हैं जो हाई राइडर और ग्रैंड विटारा के फेवर में नहीं है। सबसे पहली बात, इन दोनों SUVs में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। हालांकि टोयोटा और सुजुकी ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देकर इसके लिए मेकअप करने की कोशिश जरूर की है। दूसरी बात, पार्ट शेयरिंग। अब दोनों के इंटीरियर में ये नोटिस करेंगे कि टच स्क्रीन, हेड्स अप डिस्प्ले, स्विचेस बलेनो और ब्रेजा के साथ शेयर्ड है। अब ये 10 से 15 लाख रुपए के गाड़ियों के लिए तो ठीक लगते हैं, लेकिन 15 से 20 लाख रुपए के गाड़ी के लिए मे बी नॉट। फाइनली एक छोटा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा रियर सीट स्पेस और बूथ स्पेस के बारे में। देखिए, कैबिन विड्थ की कमी आपको महसूस होगी तो 3 लोगों को बिठा पाना थोड़ा मुश्किल है, और पैनोरामिक सनरूफ के वजह से हेडरूम में भी एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन्स लेते हैं तो वहां पर भी बूट स्पेस कुछ खास नहीं है। ओवरऑल पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कंसिडर करें तो ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाई राइडर के लिए वेट करने के रीजंस क्लियर कट है। आप जापानीज इंजीनियरिंग, रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी के फैन हैं, आपको एक ऑल व्हील ड्राइव SUV चाहिए, या आप एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इन दी SUV बॉडी स्टाइल। अगर आपकी रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी है, कंसिडर वेटिंग फॉर दीज 2 SUVs। That's it for this video. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। कोई questions हो, queries हो, doubts हो, leave them in the comment section. I'll reply to you personally. Don't forget to share and subscribe. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching.